गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ओपन पेज नंबर सेवेंटी वन राइट टू डे स्टेट एंड डे चैप्टर नंबर एलेवन एम एस पावर पॉइंट एंड हैंड्स एंड स्पीकर नोट्स इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जनरेट हैंड आउट्स एंड जनरेट स्पीकर नोट्स ये किस प्रकार से पावर पॉइंट में बनाए जाते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं इरा एंड वरुण आर क्वाइट व दिस डेज देयर टीचर वॉज आस्ड दैम टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रजेंटेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। इरा और वरुण इन दिनों काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि उनकी टीचर ने उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स हैं और उनके जो सॉल्यूशन हैं उस पर एक पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उन्हें वर्क दिया है दे वर्कड हार्ड एंड कलेक्ट द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की बट दे कैन नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ इट इन देयर प्रजेंटेशन पर वो अपने इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते अदरवाइज देयर प्रेजेंटेशन विल बिकम टू लॉन्ग ऐसा करते हैं यदि तो उससे क्या होगा उनका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा बट दे विश टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ देयर फ्रेंड्स लेकिन वो अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट देअर दे ऑल्सो वांट दैट देयर फ्रेंड्स शुड रिमेंबर देयर प्रजेंटेशन फॉर और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है उसे उनके दोस्त हमेशा याद रखें सो दे आर इन डेली वॉट टू डू और इस कारण वो काफी परेशान हैं कि अब वो क्या करें नो नीड टू वरी और तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पावर पॉइंट ऑफर्स द फैसिलिटीज़ ऑफ हैंड आउट्स एंड स्पीकर नोट्स पावर uh, पॉइंट हमें हैंड uh, आउट्स और स्पीकर नोट्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दे कैन बी व्यूड एडिटेड और प्रिंटेड अलॉन्ग विथ द प्रजेंटेशन इसमें हम जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसे हम देख सकते हैं उसमें एडिट कर सकते हैं मतलब जो भी कोई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं साथ ही इसमें हम उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं हैंड आउट्स आर स्मॉलर वर्जन ऑफ स्लाइड्स हैंड आउट्स जो है वो स्लाइड्स का एक छोटा वर्जन है देयर आर प्रिंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर इसमें ए, पेपर की जो शीट होती है उसमें प्रिंट आउट निकाले जाते हैं इरा एंड वरुण कैन गिव हैंड आउट्स ऑफ देर प्रेजेंटेशन टू देयर फ्रेंड्स सो दैट देयर प्रजेंटेशन इज नॉट फॉरगटन एज शून एज इट इज़ ओवर इस प्रकार से इरा और वरुण अपना प्रेजेंटेशन को हैंडआउट्स तैयार करके अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं और वो इसे हमेशा याद रखेंगे है ना प्रेजेंटेशन यदि समाप्त भी हो जाता है तब भी वो इस प्रिंट आउट के द्वारा उसे देख सकते हैं और याद रख सकते हैं टर्न द पेज स्पीकर नोट्स अब स्पीकर नोट्स क्या हैं स्पीकर नोट्स आर नोट्स दैट आर एडेड टू द स्लाइड्स बाय प्रेजेंट प्रेजेंटर जो प्रस्तुत करता होता है मतलब जो uh, जिसने प्रेजेंटेशन बनाया है उसके द्वारा जो स्पीकर नोट्स होते हैं इस प्रकार के नोट्स होते हैं जो वो स्लाइड में ऐड कर सकता है दे कंटेन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट द प्रजेंटर विशेज टू कवर ड्यूरिंग द प्रजेंटेशन इसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो रख सकता है जो कि उसे प्रजेंटेशन के समय दिखाने की इच्छा है We can get these notes printed and refer to them at the time of this presentation. हम इसका जो है प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं नोट्स का है ना जिसका हम प्रेजेंटेशन के समय भी इन्हें देख सकते हैं सो इरा एंड वरुण कैन मेक देयर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड शेयर ऑल दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विथ देयर फ्रेंड्स विथ द हेल्प ऑफ स्पीकर नोट्स इस प्रकार से स्पीकर नोट्स की मदद से इरा और वरुण अपने जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस है उसे और और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं साथ ही जो प्रेजेंटेशन है उसे और अधिक इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं लेटस टीच इरा एंड वरुण हाउ टू यूज़ दिस पावरफुल नोट टूल्स इन देयर प्रेजेंटेशन एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल तो चलिए हम पढ़ अभी यहाँ पर पढ़ते हैं कि इरा और वरुण अपने प्रेजेंटेशन को इन पावरफुल टूल्स का यूज़ करते हुए कैसे ज़्यादा अच्छा उसे इंटरेस्टिंग और उपयोगी बना सकते हैं तो इसमें पहला है जनरेटिंग हैंड आउट्स तो हैंड आउट्स को कैसे आप जनरेट करेंगे ये हम अभी थ्योरी रीड कर रहे हैं बाद में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो टू जनरेट हैंड आउट्स फॉर अ स्लाइड स्लाइड में हैंड आउट्स जनरेट करने के लिए क्या करना है आपको पहले क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन आपको यहाँ पर देखिए ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन और उसमें न्यू ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स भी इज डिस्प्लेड तो आपको एक न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स सामने दिखाई देगा फिर उसमें आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक एंड रिसेंट ठीक है फिर क्लिक ऑन क्रिएट टू लोड अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन फिर आपको वहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है देन सेलेक्ट होम टैब क्लिक ऑन लेआउट इन स्लाइड ग्रुप स्लाइड ग्रुप में आपको लेआउट पर क्लिक करना है फिर न्यूमरस ऑफिस थीम्स आर डिस्प्लेड आपको यहाँ पर ऑफिस थीम्स दिखाई देंगी सेलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट्स उसमें आपको टाइटल और कंटेंट सेलेक्ट करना है थीम फॉर योर स्लाइड एंड टाइप योर टाइप इन द मैटर और आपको वहाँ पर अपना जो भी मैटर है उसे टाइप करना है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन फिर से आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और उसमें प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रिंट प्रिव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट सब ऑप्शंस आर डिस्प्लेड तो उसमें जब आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट ये सब ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट प्रिंट तो वहाँ पर आपको प्रिंट सेलेक्ट करना है प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड तो आपको एक ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा सेलेक्ट हैंड आउट्स इन द प्रिंट वॉट बॉक्स ये जो है प्रिंट प्रिंट वॉट बॉक्स में आपको हैंड आउट्स को सेलेक्ट करना है ठीक है फिर इन देंड आउट्स फ्रेम ऑन द राइट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्लाइड्स टू बी प्रिंटेड पर पेज इन द स्लाइड्स पर पेज बॉक्स यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हैंड आउट्स फ्रेम है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है स्लाइड्स पर पेज है न तो ये आपको इसमें जाना है फिर पावर पॉइंट प्रोवाइड्स लाइन्स फॉर द सॉरी यहाँ पर द चॉइसेस आर वन टू थ्री फोर सिक्स और नाइन यहाँ पर जो है आपको वन टू थ्री फोर और सिक्स और नाइन चॉइस मिलती हैं इफ़ यू स्पेसिफाई थ्री स्लाइड्स पर पेज पावर पॉइंट प्रोवाइड्स लाइन्स फॉर द ऑडियंस टू टेक डाउन नोट्स यदि आप यहाँ पर थ्री स्पेसिफाई uh, करते हैं तो पावर पॉइंट आपको जो भी ऑडियंस है उसको लाइन प्रोवाइड्स करते हैं अपने नोट्स के साथ और इफ़ यू स्पेसिफाई फ़ोर सिक्स और नाइन स्लाइड्स पर पेज यू में ऑल्सो स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ स्लाइड्स एट्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल इन द ऑर्डर ऑप्शन और यदि आप फोर सिक्स या नाइन स्लाइड्स पर पेज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर इसके साथ आपको ऑर्डर ऑफ द प्लेसमेंट जो स्लाइड्स है उसका किस ऑर्डर में होगी वो हॉरीजेंटल होगी या वर्टिकल ये आपको ऑर्डर ऑप्शन में स्पेसिफाई करना होता है द डिफॉल्ट ऑर्डर इज़ हॉरिजेंटल तो डिफॉल्ट में ये हमेशा हॉरीजेंटल ही आता है क्लिक ओके द हैंड आउट्स आर जनरेटेड आप फिर यहाँ पर ओके okay पर आपको क्लिक करना है और आपका जो हैंड आउट्स है वो जनरेट हो जाता है फिर है जनरेटिंग स्पीकर नोट्स अब स्पीकर नोट्स कैसे जनरेट होते हैं टू जनरेट स्पीकर नोट्स फॉर द गिवन स्लाइड आप जो दी गई आपकी स्लाइड स्लाइड है उस पर आप स्पीकर नोट्स जनरेट करने के लिए इन द नोट्स पेज पेन बिलो द स्लाइड क्लिक ऑन क्लिक टू ऐड नोट्स आपके जो स्लाइड है उसके नीचे नोट्स पेज करके एक ऑप्शन आएगा उसमें आपको जाना है क्लिक टू ऐड नोट्स पर आपको क्लिक करना है लिस्ट द पॉइंट्स यू विश टू कवर वाइल प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड टू बी ऑडियंस और इससे आप एक लिस्ट बना सकते हैं जो भी आप दिखाना चाहते हैं सभी को क्लिक ऑन व्यू टैब सेलेक्ट नोट्स पेज फॉर प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप और इसका व्यू यदि देखना है तो आपको क्या करना होगा व्यू टैब पर क्लिक करेंगे फिर नोट्स पेज पर जाएंगे जो प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में आपको मिलता है दिस व्यू शोज एन इमेज ऑफ द स्लाइड जो भी स्लाइड है वो व्यू शो से उसमें हमें इमेजेस दिखाई देती हैं अलोंग विथ द नोट्स फॉर दैट साइड स्लाइड uh, आपकी स्लाइड के साथ जो भी नोट्स हैं उसके साथ आपको इमेजेस दिखाई देंगी फॉर्मेट एनलार्ज लार्ज एंड रिपोजिशन द नोट्स एरिया एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपनी जरूरत के या आवश्यकता के अनुसार इन नोट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं एनलार्ज कर सकते हैं रिपोजिशंस ले सकते हैं उसकी In this view, you can also decorate your notes with charts, pictures, tables, or other illustrations or up. अपने इन नोट्स को डेकोरेट कर सकते हैं चार्ट्स पिक्चर्स टेबल्स या अन्य पिक्चर्स के द्वारा इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन अब आपको क्या करना है फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है वहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में जाना है प्रिंट प्रिव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट सब ऑप्शन आर डिस्प्ले सेलेक्ट प्रिंट प्रिंट डायलॉग बॉक्सिस डिस्प्लेट तो तो फिर आपको प्रिंट प्रिव्यू प्रिंट डॉक्यूमेंट एक सब ऑप्शन मिलता है उसमें आपको प्रिंट पर सेलेक्ट करना है तो आपको एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इन द प्रिंट वॉट बॉक्स सेलेक्ट नोट्स पेज तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है प्रिंट वॉट बॉक्स में आपको नोट्स पेज सेलेक्ट करने हैं फिर क्लिक ओके द स्लाइड्स एंड नोट्स फॉर द स्लाइड्स आर प्रिंटेड फिर आपको ओके okay बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके नोट्स हैं वो स्लाइड्स uh, के जो भी नोट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे ठीक है तो ये था हमारा आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे ओके थैंक यू